कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद द्वारा 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकली विदेशी तथा देशी सिगरेट बरामद। फरीदाबाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्लाट नंबर 10 डबुआ पाली रोड फरीदाबाद में निधि तंबाकू कंपनी में अवैध रूप से विदेशी तथा देशी ब्रांड की सिगरेट बनाई जाती है, जिसकी पैकिंग पर भी वैधानिक चेतावनी नहीं छापी जाती है। इस सूचना के संबंध में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस और एक गो की मदद से रात्रि के समय उक्त प्लांट को चेक किया। चेकिंग के दौरान इस तंबाकू कंपनी में सिगरेट बनती हुई पाई गई। पूछताछ पर बतलाया गया कि यह कंपनी 2-3 साल से चल रही है। यहां पर मात्र निधि पेरिस नाम के ब्रांड का लाइसेंस लिया हुआ है व उसके साथ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अन्य देशी और विदेशी कंपनियों के नाम की सिगरेट भी बनाई जाती है। निरीक्षण पर कंपनी में पेरिस, ब्लैक, असलाइट तथा रेली रिक्सी ब्रांड के सिगरेट के तैयार पैकेट पाए गए। इन पर कोटपा की नियमानुसार एडवर्टाइजिंग प्रिंट करनी नहीं पाई गई, ना ही कोई लाइसेंस पेश किया गया है। मौका पर लगभग 2 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक कीमत के 51,760 पैकेट सिगरेट बरामद हुए, जो अवैध हैं, और भारत में इस प्रकार के पैकेट बेचना भी बैन है। इन पर कोटपा की निर्धारित चेतावनी भी प्रिंट नहीं करनी पाए जाने पर ट्रस्ट की तरफ से दी गई लिखित शिकायत पर थाना दबुआ में अभियोग अंकित कराया गया है। अब स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री उड़नदस्ता डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज रात को स्थानीय पुलिस तथा एक जो खबर देने वाला एक एनजीओ थे उनके माध्यम से डब्बापाली रोड पर एक निधि टबैको कंपनी नाम से एक फैक्ट्री है जिसमें सिगरेट्स बनती हैं और जिसके मालिक सतेंद्र शर्मा हैं जो सेक्टर 21 में रहते हैं। वहाँ जब रेड की गई तो वहाँ फैक्ट्री चलती हुई मिली। इनके पास एक ब्रांड का लाइसेंस है और वो प्रॉपर उसको बना रहे हैं। बाकी 4 ब्रांड्स जो फेमस जैसे ब्रांड हैं, जैसे ब्लैक है, पेरिस है और एसएलआइट्स है और रूली रिवर, इस तरह से 4 अलग अलग ब्रांड्स के जो तैयार माल जो मिला उसके 51,760 पैकेट थे, तो जो कि इम्पोर्टेड हैं, जिनके ऊपर कोई जिस तरह से जो कोटपा का जो डायरेक्शन होता है कि 85% के ऊपर जो कैंसर पीड़ित एक फ़ोटो होनी चाहिए ताकि लोग थोड़े से सचेत रहें, पर वो इस तरह का नहीं था। तो अवैध रूप से ये विदेशी ब्रांड के सिगरेट्स जो हैं वहाँ पे बना रहे हैं और ये जो प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि दिल्ली में सप्लाई करते हैं और वहाँ से आगे सप्लाई होती है। अभी तक जो मालिक थे वो नहीं मिल पाए थे पुलिस को, तो अब उनसे पूछताछ के बाद बाकी सारा विस्तृत विवरण पता चलेगा। और ये जो टोटल सिगरेट की जो लगभग कॉस्ट है ये है 2,70,04,000 रुपये। 20 रुपये की एक सिगरेट भी अगर लगाई जाए तो इतनी कीमत की सिगरेट्स बरामद हुई हैं। इसमें डबुआ थाने में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है जी, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।